Welcome back to our channel. In this video, we're gonna discuss about Child Labour Provision and Regulation Act 1986, Amendment 2016. तो इस वीडियो में हम Child Labour Act में जो amendment आया था 2016 में उसको हम briefly study करेंगे. इसमें बहुत ही major changes आए थे इस amendment के अंदर जो बहुत ही important है और पूरे act को ही reshape कर दिया था. 2016 के जो अमेंडमेंट थी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, वो चेंजेस को इसमें देखते हैं. और प्लस ये वीडियो सेपरेटली क्यों प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि कई बार ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इस साल में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, तो इसलिए इसको मैंने सेपरेटली प्रोवाइड कर रही हूँ. और प्लस जो बेसिक वीडियो थी इस एक्ट की उसमें मैंने सारी जितने भी अमेंडमेंट के पॉइंट थे उसको ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है. तो आप वहाँ परेशान मत होइए कि वहाँ पे आपको फिर से वहाँ जाकर चेंजेस करने होंगे, वैसा कुछ नहीं है. वहाँ पे ऑलरेडी चेंजेस हैं, बट इसको सेपरेटली हम फिर से देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आई थी. तो ये जुलाई 2016 में हमारे इंडिया पे लग चुका था. प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट प्रोवाइड कर दिया था जुलाई 2016 को इस अमेंडमेंट में. तो आइए देखते हैं अमेंडमेंट क्या था. अमेंडमेंट इन द नेम ऑफ द एक्ट, देखिए कितना मेजर चेंज है. यहाँ पे एक्ट का जो नाम था, जो हमारा पुराना नाम था चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को चेंज करके एक वर्ड ऐड किया गया, एडोलेसेंट. एडोलेसेंट कौन होते हैं? ऐसे लेबर जो उनका जो एज ग्रुप होता है वो 15 टू 18 होते हैं. उनका जो एज लाए करता है वो चाइल्ड से बड़े होते हैं पर एडल्ट से छोटे होते हैं. मींस जो चाइल्ड होते हैं वो तो 14 ईयर के होते हैं, वो अपने 15 ईयर तो कंप्लीट किए नहीं होते हैं. तो 15 ईयर से लेकर जो 18 तक का जो ग्रुप होता है वो इसमें ऐड किया गया है. आइए देखते हैं अमेंडमेंट इन द सेक्शन 3. तो सेक्शन 3 आपके पहले आपको समझना पड़ेगा पुराना सेक्शन क्या था. तो पुराना सेक्शन था कि प्रोविजन टू द वर्क इन द ऑक्यूपेशन इन द पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल. तो पहले इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर आपको दो पार्ट दिए गए थे, पार्ट ए एंड बी ऑफ द शेड्यूल दिया गया था. जो पार्ट ए एक लिस्ट था जिसमें वो सारे ऑक्यूपेशंस थे जहाँ पे चाइल्ड प्रोहिबिट था, और पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में वो सारे लिस्ट थे, वो सारे लिस्ट के प्रोसेस थे, प्रोसेस ऑफ लिस्ट था जहाँ पे चाइल्ड वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता. दो लिस्ट थे, एक थे ऑक्यूपेशन की, एक लिस्ट थी प्रोसेस की, वहाँ पे चाइल्ड प्रोहिबिट था. बट अभी क्या किया जा रहा है, अभी पूरे के पूरे चाइल्ड को ही यहाँ से प्रोहिबिट कर दिया गया है. बोला गया है कि नो चाइल्ड विल एम्प्लॉयड, एक भी चाइल्ड एम्प्लॉय नहीं होगा, रिगार्डलेस की वो जो लिस्ट थी उसको ही यहाँ पे हटा दिया गया है. तो आपका ये चेंजेस आए. और अब दूसरा चेंजेस क्या था आइए देखते हैं. नथिंग इन द सबसेक्शन 1, मतलब जो ऊपर वाला सबसेक्शन 1 है वो नहीं अप्लाई होगा वहाँ पर. अगर चाइल्ड हेल्प करता है हिज फैमिली और मेंबर इन फैमिली इंटरप्राइज विच इज अदर देन द हाजार्डियस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस सेट फोर्थ इन अ शेड्यूल आफ्टर हिज स्कूल आवर और ड्यूरिंग वेकेशन. तो ये कह रहे हैं कि वो काम कर सकता है अपनी फैमिली में, या फिर अगर कोई फैमिली का इंटरप्राइज है या फिर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें वो काम कर सकता है. बट उसका नहीं है कि आप उसको कोई ऐसे ऑक्यूपेशन, डेंजरस ऑक्यूपेशन में उसको डालिए. बट हाँ, थोड़ा बहुत वो हेल्प करवा सकता है, वो आफ्टर स्कूल आवर करेगा या फिर वेकेशन में आप उससे काम करवा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है. बी कहता है वर्क एज अ आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट की तरह वर्क कर सकता है इन एन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट फिल्म टीवी सीरियल्स और सच अदर एस्टैब्लिशमेंट और स्पोर्ट एक्टिविटीज एक्सेप्ट द सर्कस सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड द सेफ्टी मेजर एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये कह रहे हैं कि वो एज अ साउंड विजुअल वाले जितने भी एंटरटेनमेंट्स होते हैं, टीवी सीरियल हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आपके नॉर्मल टेलीविजन सीरियल हो गए, फिल्म्स हो गए, तो वहाँ पे भी चाइल्ड वर्क कर सकता है. बट सर्कस हो गया या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे चाइल्ड की हेल्थ को या फिर चाइल्ड की लाइफ को डेंजर होगा, वो वैसा कुछ भी वहाँ पे नहीं करेगा, वो वहाँ पे स्टिल प्रोहिबिट होगा.
provided that no such work under this clauses shall affect the school and education of the child. अब यहाँ पे जहाँ पे आप उसको काम करवा रहे हो, बट ऐसा कुछ आप नहीं करवा सकते कि उसकी स्कूलिंग में या फिर उसके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आए। तो ये आपका बेसिक सा था कि चाइल्ड वर्क कर नहीं कर सकता कहीं पे भी, पर जहाँ पे भी वर्क करने की उसको अलाउंसेस है वहाँ पे उसका एजुकेशन, हेल्थ और उसकी लाइफ डेंजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका बेसिक पॉइंट था। अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, फैमिली में कौन कौन रिलेट करता है, पहले वहाँ पे बोला गया था कि फैमिली वाले काम करवा सकते हैं और फैमिली बिजनेस में वो काम कर सकते हैं। तो फैमिली में कौन कौन होगा, फैमिली इन द रिलेशन टू द चाइल्ड मीन्स हिज मदर, उसकी मदर होंगी, उसके फादर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स एंड ब्रदर एंड मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। तो पापा के जो भाई बहन होंगे वो भी उसकी फैमिली में आएंगे, और मम्मी के जो भाई बहन हैं वो भी फैमिली में आएंगे, और उसके सिबलिंग्स और उसके पेरेंट्स तो उसकी फैमिली में आएंगे। तो इतने सारे लोग एज अ फैमिली इस एक्ट के अंदर ट्रीट किए जाएंगे। और फैमिली इंटरप्राइज कौन होगा, मीन एनी वर्क, प्रोफेशन, मैनुफैक्चर और अ बिजनेस विच इज परफॉर्म बाई अ मेम्बर ऑफ द फैमिली विच इज द इंगेजमेंट ऑफ अदर पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि पीछे डेफिनेशन में फैमिली इंटरप्राइजेस बताया गया था। तो वो फैमिली इंटरप्राइजेस में आप कोई भी ऐसा काम करिए, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोफेशन का, कुछ भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कोई मेंबर ऑफ द फैमिली परफॉर्म कर रहा है और उसमें अदर पर्सन भी इंक्लूड हैं, तो उसमें भी वो चाइल्ड वर्क कर सकता है। आर्टिस्ट मीन कौन होता है, आर्टिस्ट मीन चाइल्ड हु परफॉर्म और प्रैक्टिस एनी वर्क और हॉबी, प्रोफेशन डायरेक्टली इन्वॉल्विंग हिम एज एन एक्टर, सिंगर, स्पोर्ट पर्सन इन सच एक्टिविटी एज मे बी प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट एक्टिविटी। तो चाइल्ड अब आर्टिस्ट अब जानते ही कौन होता है, जो सिंगर हो गए, डांसर हो गए, तो इस सब में चाइल्ड जा सकता है। जैसे आप देखते हो गए टीवी सीरियल्स में चाइल्ड एक्टर्स होते हैं, मूवीज में चाइल्ड एक्टर होते हैं, तो वहाँ पे वो लीगली वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट एक ही कंडीशन होती है कि उनकी हेल्थ पे, उनकी लाइफ में और उनकी एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वो उनका इसमें वो ऐड हो जाएंगे। अब एडिशन ऑफ न्यू सेक्शन 3A, अब न्यू सेक्शन ही 3A ऐड हुआ है। नो एडोलेसेंट शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क। तो वो कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय जो 15 ईयर से 18 ईयर के बीच में लाइक करता है वो एम्प्लॉयड नहीं होगा और परमिट भी नहीं होगा किसी भी ऐसे काम करने में जो प्रोफेशन या फिर वो ऑक्यूपेशन या फिर वो प्रोसेस डेंजरस हो, हजार्डस हो, तो वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, जैसा ये शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द नॉन हजार्डस वर्क टू विच एन एडोलेसेंट मे बी परमिटेड टू वर्क अंडर द एक्ट। तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मे बी, उसके पास पावर होती है कि वो एक लिस्ट इशू कर सकता है जहाँ पे वो लिस्ट होगा कि क्या क्या एक एडोलेसेंट काम कर सकता है, कौन कौन से नॉन हजार्डियस वर्क होंगे। अमेंडमेंट इन द पेनाल्टीज, पेनाल्टीज में बहुत मेजर अमेंडमेंट आया था जो सेक्शन 14 में है, तो हम उसको आइए देखते हैं। Whoever employed any child or permit any child to the work in the contravention of the provision of section 3, तो section 3 में वहाँ पर आपको prohibit किया गया सारे child को, अगर उसको कोई भी contravict या फिर उसको कोई तोड़ता है तो उसको punishment होगी। क्या punishment होगी, imprisonment for a term shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years, तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप किसी भी चाइल्ड को वर्क करवाते हो। कंडीशन क्या थी, या वो फैमिली इंटरप्राइज नहीं हो या फिर वो चाइल्ड आर्टिस्ट ना हो। मींस अगर आप उसको कोई ऐसी ऐसे काम में काम करवाते हो जहाँ पे उसकी हेल्थ को लेकर इश्यू हो या फिर कोई हजार्डस प्रोसेस हो, तो उस पर्सन को प्रिजमेंट हो सकती है एट मिनिमम 6 महीने की तो होगी ही, और वो एक्सीड कर सकता है 2 साल तक, और फाइन होगी 20,000 मिनिमम होगा, और जो एक्सीड कर सकता है जो उसका मैक्सिमम लिमिट है 50,000, तो वो उसका
फाइन होगा, और दोनों भी हो सकता है, ऐसा जैसा भी देखा जाएगा सिचुएशन. प्रोवाइडेड दैट द पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ अ सच चाइल्ड शैल नॉट बी पनिश्ड अनलेस दे परमिट सच चाइल्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस इन द कंट्राविक्शन ऑफ द प्रोविजन थ्री. तो ये कह रहे हैं इस एक्ट के अंदर, मतलब इस पेनाल्टी के अंदर चाइल्ड के पेरेंट्स और गार्जियन जो हैं वो नहीं आएंगे, वो पनिशेबल नहीं होंगे, तभी नहीं होंगे जब वो क्या कहते हैं परमिट नहीं किए होंगे. अगर उन्होंने परमिट किया है चाइल्ड को कमर्शियली काम करने के लिए तो वो भी लायबल होंगे, वो भी पनिशेबल होंगे इस एक्ट के अंदर. पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नहीं परमिट कर रहे हैं अपने बच्चे को, तब भी वो जो एम्प्लॉयर काम करवा रहा है तो सिर्फ एम्प्लॉयर होगा इसमें पनिशेबल. पर अगर वो करवा रहे हैं, वो जानते हैं कि इस एक्ट के अंदर उनको परमिट नहीं दिया गया है, उनको परमिशन नहीं है कि अपने चाइल्ड से काम करवाए, तब भी वो काम करवा रहे हैं, तो वो पनिशेबल होंगे. और पनिशमेंट मैं बता चुकी हूँ, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन 20,000 से 50,000 तक हो सकता है अगर आप सेक्शन 3 के किसी भी सब सेक्शन या फिर किसी भी पॉइंट को आप कॉन्ट्राविक्ट करते हो तो. अब Whosoever employed any adolescent or permit any adolescent to work in the contravention of the provision section 3A shall be punished with the imprisonment of the term shall not less than 6 months but which may extend to 2 years with a fine of not less than the 20,000 which may extend to the 50,000 with the both. तो ये कह रहे हैं कि जो adolescents जो आपके employees थे जो 15 to 18 थे उनको भी सेम होता है, उनके लिए भी सेम है. अगर आप उनसे ऐसा कोई काम करवा रहे हो जो बहुत ही डेंजरस है, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है, उसके लाइफ लॉस हो सकती है, तो एज अ एम्प्लॉयर आपको फाइन भरना पड़ सकता है 20,000 से 50,000 तक, और आपको जेल भी हो सकती है. कितनी होगी? 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है. आप यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट सेम चीज़ वहाँ लिखी हुई है कि आपका पेरेंट्स और गार्डियन यहाँ पे पनिश नहीं होंगे अगर वो नहीं विलिंगली भेजे होंगे. अगर वो विलिंगली कॉमर्शियल काम के लिए भेजे हैं तो उनको भी पनिशमेंट होगी. ये सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई. अब देखते हैं, Whosoever have been convicted of an offense under section 3 or section 3A commit a like offense afterward he shall be punishable imprisonment for the term which shall not be less than 1 year but which may extend 3 year. तो ये कह रहे हैं कि आपने ये ऑफेंस कर दिया, ठीक है, जो आपको वो ऑफेंस वहाँ पे बताया गया था वो ऑफेंस आपने कर दिया और तब भी आप रुके नहीं, तो आपका क्या हो सकता है? तो आपका जो wait for a minute, convict after offense 3A कमिट अ लाइक ऑफेंस आफ्टरवर्ड्स. अगर आप तब भी कर रहे हो, मतलब आप पे फाइन लग गई, आपको जेल हो गई, तब भी आप आफ्टरवर्ड्स भी किए जा रहे हो, रिपीटेडली कंटिन्यूसली आप वो काम किए जा रहे हो और चाइल्ड्स को या फिर एडोलसेंट को आप काम करवा रहे हो और कंट्रावेक्ट कर रहे हो सेक्शन 3 और सेक्शन 3A को, तो आपके ऊपर एडिशनल क्या लगेगा? इम्प्रिजमेंट हो सकती है नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल की जेल हो सकती है और जो एक्सीड कर सकता है 3 साल तक. ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप समझ गए, पीछे क्या था, फर्स्ट टाइम किया है, और ये वाला जो पॉइंट है अगर आप रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो कॉन्विक्ट होने के बाद भी, तो आपके ऊपर 1 साल की एडिशनल जेल होगी और वो एक्सटेंड कर सकता है 3 साल तक. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 2 द पेरेंट और गार्डियन हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस under section 3 or 3A commit like a offense afterward he shall be punished with a fine may extend to 10,000. तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे parents और guardian भी पिछले जो acts थे, sorry, पिछले जो subsections थे उनको अब वो convict कर चुके हैं और फिर भी continuously वहाँ पे वो अपने child को भेज रहे काम करवाने के लिए, तो उनका fine exceed किया जा सकता है 10,000 रुपये तक का. ठीक है, मीन्स अगर वो कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं तो 10,000 रुपये उनको एडिशनल फाइन देना होगा. अब क्या हुआ है, द वर्ल्ड चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, एक एडवाइजरी कमेटी इसमें फॉर्म हुई थी. आपने पढ़ा होगा कि एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की थी अंडर सेक्शन 5 में, तो वहाँ पे
इस एडवाइजरी कमेटी का नाम चेंज करके टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कर दिया गया है, ठीक है। बस यही छोटा सा चेंज है इसके अंदर, इस कमेटी में। तो ये सेक्शन 5 के अंदर फॉर्म हुई थी इस एक्ट में, जिसमें एक चेयरमैन था और मेंबर एक्सीड नहीं कर रहे थे 10 लोग से ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम मेंबर 10 हो सकते थे, और कुछ चाहे जितनी भी कमेटीज के अंदर अपॉइंट हो सकती थी। तो वही वाली कमेटी जिसे हम चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कहते थे, उसका नाम चेंज होकर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी हो जाएगा। तो ये आपका टोटल अमेंडमेंट था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये अमेंडमेंट। इजी था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। सारे पॉइंट्स आप क्लियरली कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप नोट्स को देख लीजिए, तो आपको पता हो जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग आप एंड